सैमसंग जी सेवन के बारे में। तो दोस्तों हाँ, सैमसंग जी सेवन के बारे में जिसका जो पैटर्न लोग लगा है, तो पैटर्न हमको मालूम नहीं है, तो आप पैटर्न को कैसे तोड़ सकते हैं आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आप ट्राई कर लीजिए, अगर आपको याद आ जाए, अगर ना याद आए तो फिर उसके बाद दोस्तों आपने सिंपली मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेना है, ठीक है, ऑफ कर लेना है। तो दोस्तों ये भी ऑफ हो चुका है, ठीक है, ये ऑफ हो चुका है बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपने सिंपली जो पावर की है और वॉल्यूम प्लस बटन है और होम बटन है, तो पहले तो आपने दोस्तों होम बटन और वॉल्यूम प्लस के बटन को जो है प्रेस करना है, उसके बाद में पावर की को, तो मैं पहले इनको प्रेस कर लेता हूँ, एक साथ ही करना है, ठीक है। तो ये मैंने एक साथ प्रेस किया है, तो आप देख पा रहे हैं। तो अभी आपने पावर को छोड़ देना है और जो कि है दोनों बटन को दबा के रखना है, ठीक है, ऐसे ही। तो ऐसे आपके सामने इंटरफेस स्क्रीन पे आया होगा, आप देख पा रहे हैं हमें। उसके बाद दोस्तों अपने सिंपली क्या करना है, परफेक्ट रीसेट में जाना है और पावर की को बटन जो है दबाना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर पावर माइनस, तो सॉरी वॉल्यूम माइनस की नीचे से नीचे आना है और यस को ओके कर देना है। तो अभी थोड़ा टाइम लेगा दोस्तों, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो उसके बाद दोस्तों इतना आते ही आपके सामने ऐसे इंटरफेस आएगा, तो उसके बाद आपने सिंपली जो है पावर का बटन दबाना है। अभी थोड़ा वेट टाइम लेगा दोस्तों, आपने बीच में बैटरी मत निकाल देना, कुछ भी मत निकाल देना। तो मेरे फ़ोन में बैटरी कम है तो मैं इसमें चार्जिंग लगा लेता हूँ। तो ये अभी थोड़ा टाइम लेगा दोस्तों, तो जितना भी टाइम लेगा आप सभी के सामने। तो दोस्तों आप सभी के सामने सेम ऐसा इंटरफेस आया होगा, तो आपने सिंपली जो है इसको स्टार्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इधर स्टार्ट पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर एक ऑट सपोर्ट के लिए बोल रहा है, तो आपने सिंपली जो है दोस्तों ऑट सपोर्ट इसका जो है ऑन कर लेना है, और अपने मोबाइल का जो वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं कनेक्ट कर दिया है, तो अभी थोड़ा टाइम लेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, तो नेक्स्ट का बटन अब आगे चलेगा दोस्तों, और उसके बाद फिर नेक्स्ट, उसके बाद फिर नेक्स्ट। तो अभी थोड़ा टाइम लेगा दोस्तों, ये चेकिंग कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपका एफआईआर भी लग जाता है तो उसके आगे भी एक उसके बारे में एक्चुअली बता दूंगा। तो अभी देखते हैं हमारा लग चुका है, ठीक है। तो अभी सिंपली क्या करना है दोस्तों, एफआरपी लग, मेरे को पता था एफआरपी लगेगा, क्योंकि अगर आप बाहर से रिटर्न मारते तो एफआरपी लगता ही लगता है भाई। तो अभी सिंपली आपने इसको बैक जाना है, ठीक है, बैक आना है, ठीक है, पूरा बैक आना है। तो अभी बैक आ चुके हैं, और उसके बाद दोस्तों ये दिख रहा है आपको, ये 4 से 5 बार प्रेस करना है एक साथ ही, ठीक है। मैं तो अभी प्रेस कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पर टैल बैक तो इनेबल हो चुका है, तो अब थोड़ा टाइम लेगा, आपने वेट करना है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, तो ये ऑन हो चुका है। उसके बाद टैल बैक ट्यूटोरियल, तो आपने एल बनाना है सिंपली, तो एल बना दिया मैंने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टैल बैक ट्यूटोरियल सेटिंग पे क्लिक करना है, तो आपने डबल फिंगर जो आपने यूज करने हैं, और उसके बाद आपने नीचे आना है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपको होम बटन, आपने दोबारा से 4 से 5 बार एक साथ प्रेस करना है, तो ये टैल बैक सस्पेंड डिसेबल हो चुका है। तो अभी हमको क्या करना है दोस्तों, सिंपली हमको जाना है हेल्प फीडबैक के अंदर, और हेल्प फीडबैक के अंदर जाने के बाद दोस्तों सिंपली क्या करना है, आपने सेंड फीडबैक पे क्लिक करना है, ठीक है। जी सेंड में ऐसा इंटरफेस आएगा दोस्तों, और उसके बाद आपने कुछ भी प्रेस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है होल्ड करके रखना है, और ये ऑप्शन आएगा कॉपी का और कट का और एक स्टैंडर्ड का। तो दोस्तों आपने इस पर क्लिक, दोबारा से क्लिक करता हूँ मैं एक बार, तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपने यहाँ पर नो थिंक्स करना है, साइन नहीं करनी है। तो उसके बाद दोस्तों आपने जो है एक बार इसकी जो है क्रोम ब्राउजर क्रोम खोल लेनी है, तो इधर एक क्रोम पे मैंने क्लिक किया और एक क्रोम इसकी खुल चुकी है। तो अभी एक्सपेक्ट कर लेना है, उसके बाद नो थैंक्स। तो उसके बाद सिंपली दो एप्लीकेशन है, सिंपल सी है, तो बता देता हूँ क्या करना है। तो हमको यहाँ पर चाहिए गूगल, ठीक है, अकाउंट मैनेजर, गूगल अकाउंट लिख लेना है AWC। तो यहाँ पर अकाउंट मैनेजर, तो अकाउंट मैनेजर आपने 6.0.1 का आपने जो है डाउनलोड करना है, तो आप सिंपल देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पहले ही आ चुका है वैसे, तो एक बार ट्राई करते हैं पहले भाई, थोड़ा टाइम लेगा।
तो उसके बाद दोस्तों सेम ऐसा इंटरफेस आएगा और आपने ऊपर जाना है, ठीक है, तो और नीचे आना है, तो ये रेड कलर का जो डाउनलोडिंग का ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है। तो अब थोड़ा टाइम लेगा दोस्तों, ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा, तो अपने यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करना है, अपडेट परमिशन तो अलाउ करना है, अलाउ के बाद यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन जो आ चुका है, ये डाउनलोड स्टार्ट हो चुकी है। और उसके बाद दोस्तों एक नेक्स्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसका नाम है क्विक मेकर, ठीक है, इतना ही सर्च मार लेना है, क्विक मेकर लिखना है। तो क्विक मेकर ये पहला नहीं है, जिधर ये प्ले स्टोर के लिए है, तो इधर आप देख सकते हैं 2.0.1 का, ठीक है, ये आ चुका है, तो ये डाउनलोड करना है। तो अभी वेट करना, तो नीचे डाउनलोडिंग का ऑप्शन आएगा दोस्तों, तो इधर नहीं आया, तो आपने यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है लेटेस्ट वर्जन, तो हम इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 2.0 MB का जो है डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, तो इधर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर भी ये डाउनलोड हो चुका है। और उसके बाद अभी ये ओपन का ऑप्शन आएगा, तो इसने आपने इसको खोल लेना है दोस्तों, ठीक है, तो अभी ओपन का ऑप्शन आ चुका है, ये इंस्टॉलिंग के लिए आया है, ठीक है। अभी दो एप्लीकेशन आप सभी के सामने जो मैंने डाउनलोड किया अभी, तो सबसे पहले आपने जो है गूगल अकाउंट मैनेजर को जो है अपने इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। भाई अगर चैनल पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आपने डन कर देना है। उसके बाद कभी मेकर शॉर्टकट मेकर को क्लिक करना है और ऐसे ही कोई परमिशन देनी है इंस्टॉल की, और आपने इसको डन नहीं करना, आपने इसको ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आएगा दोस्तों, उसके बाद आपने सिर्फ गूगल लिखना है और कुछ नहीं लिखना। तो गूगल लिखने के बाद तो गूगल अकाउंट मैनेजर पर क्लिक करना है, और दोस्तों उसके बाद सिंपली तो दोस्तों ये रहा जीमेल का ऑप्शन, तो थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको जो अच्छे से नज़र आए। भाई जूम ही नहीं होता, क्या करें, अभी हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों, ये रहा जीमेल का ऑप्शन, ठीक है, तो एक बार दोबारा से जो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, तो ये रहा जीमेल का ऑप्शन, ये आपको दिखाई नज़र आ गया होगा जीमेल का ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ट्रे पहले आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको गूगल जो है अपने इसमें लॉगिन आईडी भर लेनी है, तो ब्राउज़र क्लिक तो ऊपर ओके करके तो आप इसको जो सिंपली कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सिंपली कुछ नहीं करना, आपने जो आपका गूगल सॉरी जीमेल अकाउंट वो आपने प्रेस करना है, तो मेरा जीमेल अकाउंट मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, जो आपका वो आप डाल लीजिए। तो यहाँ पर मैंने अपना जो मेरा जीमेल अकाउंट मैंने डाल दिया, उसके बाद मैं बाद में पासवर्ड डाल दूंगा, तो मैं पासवर्ड आपको नहीं दिखा सकता, जो आपका पासवर्ड वो आप डाल लीजिए, ठीक है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट कर दीजिए। तो अभी सिंपली हो गया हमारा, तो अभी कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपने सिंपली फ़ोन को रिस्टार्ट करना है, रिस्टार्ट बैटरी मत निकालना, रिस्टार्ट का ऑप्शन आएगा पावर की को प्रेस करके, तो अभी थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों ऑन होने में, तब तक होल्ड। तो दोस्तों सिंपली आपने अब क्या करना है, तो ये ऑप्शन आ चुका है, उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करना है, ठीक है, स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट करना है एग्री, दोस्तों आप सभी के सामने आप देख सकते हैं, तो अब हमारा एफ आर कट चुका है, तो उसके बाद नेक्स्ट करना है, तो आपने सिंपली तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जो शो कर रहा है कि सेटअप था जी मेल, तो हमको नोट शो करना है, तो इधर कुछ मत डालना, ठीक है, नोट पर क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, उसके बाद आपने कोई पासवर्ड पैटर्न लगा लेना है, तो मैं सिंपली पैटर्न जो है एक सिंपली पैटर्न लगा लेता हूँ, तो मैं एल बना लेता हूँ ताकि आसानी हो मेरे को याद रखने में, तो एल मैंने पासवर्ड लगा दिया, तो यहाँ पर आपने सिंपली 1, 2, 3, 4 बनना है, तो 1, 2, 3, 4 ही बनना है, कुछ नहीं बनना है। तो अभी नेक्स्ट, तो यहाँ पर आईडी शो करने के लिए बोल रहा है कि मतलब आपका जी मेल जो सिक्योरिटी ऑफिस होगी कोई, तो यहाँ पर आप डेट टाइम सेट कर सकते हैं, नहीं तो वैसे नेक्स्ट कर लेना, तो सेटिंग में जाकर आपको जो डेट टाइम होता है सेट कर लेना है, तो इन प्रोसेस पर नीचे आना है, स्किप का बटन दबाना है, स्किप के बाद दोबारा फिर स्किप आएगा, तो उसको आपने नेक्स्ट करना है, एग्री करना है, एग्री के बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि
वर्जन एंड्रॉइड, तो यहाँ पर नोट ना पर क्लिक करना है। तो अभी हमको इसको जो वर्जन वर्जन कुछ नहीं छेड़ना है, उसके बाद फिनिश करना है। तो फिनिश करने के बाद दोस्तों हमारा सेट रेडी हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इतना ही वीडियो है।